बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रुबीना मलिक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके गाइस, सो दिस इज पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ माय सिस्टर। हर बर्थडे वाज ऑन 13 जून, और 13 जून को थी भाई शदीद किस्म की गर्मी, तो इसलिए हमने कहा छोड़ो, रहने तो बर्थडे को, बर्थडे तो हर साल आती है, बाद में जब कभी हमें टाइम मिला हम तब सेलिब्रेट कर लेंगे। आज वैसे तो मैं हर बर्थडे पे केक खुद बनाती हूँ, इस दफ़ा नहीं बना सकी। मैंने सोचा था कि हम बाज़ार से मंगवा लेंगे, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न्स हम बाज़ार से भी नहीं मंगवा सके, तो भाई हम गुजारा करेंगे आज मलाई केक के साथ। ये है मेरा मलाई केक, ये मैंने बनाया है, ये भी मैंने बनाया है और ये पकौड़े हैं, ये पकौड़े भी मैंने बनाए। आज वैसे मौसम बहुत अच्छा था, क्या हो रहा था, थोड़ी सी हाँ बारिश विद बर्फ़बारी, बारिश भी हुई थी और बर्फ़बारी भी हुई थी, तो इस वजह से मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है। और पकोड़े तो ऐसे मौसम में वैसे भी बनते ही हैं, तो हमने सोचा कि चलो हम पकोड़े बना रहे हैं तो बाकी की चीज़ें भी बना के बर्थडे सेलिब्रेट कर देते हैं। ये बेचारी उदास मेंढक की तरह शक्ल लेके घूम रही थी कि मेरी बर्थडे किसी ने सेलिब्रेट नहीं की, और इससे मुझे बड़ी बातें सुनाई। वैसे मैंने इसकी बर्थडे पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी, बट क्या हुआ कि मुझे टाइम नहीं मिलता। तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं स्कूल से जब भी वापस आऊँगी तो बेस्ट चॉइस के पास उतरूंगी और फिर वहाँ से ले लूँगी केक और सारी चीज़ें, लेकिन बस फिर गर्मी इतनी होती है कि बंदा स्कूल से वापसी पर बस सिर्फ एक बात सोच रहा होता है कि फ़ौरन से घर जाऊँ और बस। अच्छा, वैसे अपनी सिस्टर की बर्थडे से रिलेटेड मैं एक बड़ी फ़नी बात शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। वो कभी कहती है कि मेरी बर्थडे जो है वो 10 जून को होती है, कभी कहती है कि 13 जून को होती है। आई डोंट नो, पेपर्स में शायद डेट्स का कोई इशू है, जो जिन पेपर्स की बेस पर जो बी फॉर्म होता है एंड CNIC एंड ऑल दैट, यू नो। सो अभी मैं उससे पूछ रही थी कि भाई तुम बता दो, तुम इस बार कौन सी डेट पर अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद करोगी। तो एक तो ये नाराज़ बहुत जल्दी हो जाती है फ़ौरन से, लाइक कोई भी छोटी सी भी बात इसको बहुत नाराज़ हो जाती है। और वो कह रही थी, वैसे मैं उसको सरप्राइज़ देना चाह रही थी कि चलो मैं उसे बताऊँगी नहीं, वो बताए बगैर किसी भी दिन उसके लिए केक और बाकी सारी चीज़ें ले आऊँगी और उसको सरप्राइज़ करूँगी। बट उसने मुझे इतने कोई ताने मारे कि तुमने मेरे लिए एक स्टेटस तक नहीं लगाया, वो विच इज़ काइंड ऑफ ब्यूटीफुल, बिकॉज आई थिंक जब आप घर में सबसे बड़े होते हो तो ना चाहते हुए भी आपके जो यंगर सिबलिंग्स होते हैं उनको आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और यही इन रिलेशंस की ब्यूटी होती है कि आप एक दूसरे के साथ अफेक्शन शो करते हैं, लव शो करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियां सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि अब हम अगर किसी बड़ी चीज़ के वेट में बैठे तो बड़ी चीज़ तो कोई ईद आएगी या किसी की शादी आएगी, अब उसके वेट में तो बंदा फिर सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। सो लर्न टू एंजॉय ईच एंड एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ लाइफ एंड मेक एवरी सिंगल मोमेंट काउंट। सो जी, ये था एक छोटा सा बर्थडे व्लॉग। टिल द नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।